अरे बैंकॉक तो बढ़िया जगह है, अबे रशियन मिलकर है वहां पे। अच्छा सनी बेटा, एक महान वैज्ञानिक का नाम तो बताओ। माइकल जैक्सन मैम, क्योंकि पत्नी उसे खुद का टेम्परेचर चेक नहीं करने देती। मुझे डबल को लगी। तो आज की सबसे पहली स्टोरी में एक पति भाई अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया क्योंकि पत्नी उसे खुद का टेम्परेचर चेक नहीं करने देती। जी हाँ, हमारे यूपी के कानपुर में एक पति अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है। और क्यों? क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक पत्नी ने एक बार भी उसे वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं लेने दिया। मतलब कि 2 साल में एक बार भी नहीं लेने दिया। अब पति बोला कि जब भी मैं अपनी बीवी के पास जाकर थोड़ा सा रोमांटिक होता हूँ तो उठ के वहां से क्या की दी है कि मतलब जैसे मैं उसे उधार मांगने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, 4 टायर की टैक्सी, तू लग रही सेक्सी। हिम्मत देख तेरी, बहन को नमन, बड़ा हो जा कैरम की गीटी। अब पहले तो पति भाई को लगा कि भाई शर्मा वर्मा रही होगी, पर थोड़ी देर से उसे समझ में आया कि भैया 2 साल तक कौन शर्माता है। ना बाबा ना, मैं तो अपने पति के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब पति भाई को पूरा यकीन हो गया है कि उसकी बीवी को कोई दिक्कत है। अब केस आ गया कोर्ट में और सुनने में आया है कि जो जज साहब हैं उनको भी इस केस में काफी इंटरेस्ट आ गया है और उन्होंने डिवोर्स देने से साफ मना कर दिया। वो पहले जानना चाहते हैं कि बीवी ऐसा करती क्यों है और इस बात की गहराई से जांच कराने के आदेश भी दे दिए उन्होंने। अगली बात सुनकर हमारा पति भाई और भी परेशान हो गया है। उसे डर है कि ऐसे तो केस सालों तक चलेगा और उसकी जवानी कोर्ट के चक्कर काटते काटते बर्बाद हो जाएगी और वो कभी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले ही नहीं पाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अब भैया ये तो वही बात हो गई कि घर में सामने अंग्रेजी पड़ी हुई है, उसे टच नहीं कर सकते और बाहर जाकर देसी पी नहीं सकते। तो हमारी सबसे पहली बड़ी खबर में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जवान फिल्म बहुत पसंद आई। जी हाँ, शाहरुख खान के एक डायलॉग की तो वो तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? बोले कि लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं दो, बस शिक्षा के नाम पर वोट देना चाहिए। कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे। हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। अब ये सुनने के बाद बीजेपी वालों ने केजरीवाल को फिर से लपेट लिया। बोले बेटा, जब हम कश्मीर फाइल्स के डायलॉग मार रहे थे तो तुम्हें मिर्ची लग रही थी, आज तुम्हें जवान के डायलॉग पसंद आ रहे हैं। मतलब कि तेरा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। अब इस बीच में खबर आई कि शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट की है कि जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस, आम आदमी या बीजेपी को, जवान फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई हो ना, तो कृपया करके उसे अपने स्टेट में टैक्स फ्री कर दें। यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? अब ये सुनने के बाद इसके जितने भी नेता है उन्होंने फिलहाल मौन व्रत धारण कर लिया है। तो जी अगली खबर में वो जो फेमस गौरक्षक है मोनू मानेसर, हरियाणा पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किलों के बाद अरेस्ट कर लिया है। मोनू मानेसर पिछले 8 महीने से मर्डर केस में फरार था। अब जब पुलिस ने पकड़ने के बाद मोनू से पूछा कि भाई तू 8 महीने से कहां छुपा हुआ था, तो मोनू ने बताया कि वो बैंकॉक चला गया था। और वहां पर अपना टाइम मस्त तरीके से काट रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनने में आया कि जब पुलिस ने मोनू से पूछा कि भाई तू बैंकॉक ही क्यों गया था, तो मोनू ने बताया कि मेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उससे मेरे पूरे शरीर में थोड़ी टेंशन आ गई थी, मैं उसे रिलैक्स कराने के लिए बैंकॉक गया था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ है मोनू मानेसर के दोस्त चोमू ज्ञानेश्वर, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चोमू भाई, आप मोनू मानेसर के दोस्त हैं, आखिर आपने बैंकॉक ही क्यों चुना छुपने के लिए, ऐसा क्या खास है वहां पे? अरे बैंकॉक तो बढ़िया जगह है, अब रशियन मिलकर है वहां पे, रशियन ओरिजिनल गरम गरम। अरे अरे चोमू भाई, ये फैमिली शो है चोमू भाई, ये क्या बोल रहे हो आप? भैया मैं तो रशियन मसाज की बात कर रहा था, वो जो गरम तेल लगा के करा करे हैं, अब थकावट उतर जावे उससे। ओ अच्छा, सॉरी, हम तो कुछ और ही समझने लगे थे। बाकी वहां पर आपने बैंकॉक में और क्या क्या किया? अरे रशियन के बाद तो वहां मिले कर सैंडविच मसाज दो दो लड़कियों के साथ है? मेरा मतलब है भाई, वो मसाज के बाद ना एक लड़की सैंडविच खिलावे और दूसरी जूस पिलावे एनर्जी के लिए। अच्छा अच्छा चुमू भाई, ये बताइए कि आपको कभी डर नहीं लगा कि कहीं पुलिस वाले आपको ढूंढते ढूंढते कहीं बैंकॉक तक ना आ जाएं?
अबे ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? अबे बैंकॉक का चप्पा चप्पा मालूम है हमें, यहाँ की सारी लड़कियां जाने हैं हमें, अपना तूट पिलाया उन्होंने हमें। क्या भूत? अरे मेरा मतलब कि वो अपनी गाय का दूध पिला भाई, अपने घर से निकाल के लावे हैं हमें पिलाने के लिए। तो चोमू भाई, अब तो पुलिस वालों ने आपको पकड़ ही लिया है, तो आगे कभी आप बैंकॉक आओगे क्या? अरे सच्चाई की जीत होगी सच्चाई की, और वैसे भी रशियन के लिए बैंकॉक जाने की जरूरत ना है, थोड़ा पैसा फेंको अपना जेल में भी आ जाती है। हैं? रशियन मसाज के लिए लोग आ जा, मैं रशियन मसाज। तुम्हारा तो दिमाग ही गंदा, बार बार मुंह से गंदगी निकलवा रहे हो यार। जैसे कि आपने देखा चोमू भाई की बातों से कि अगर किसी को पुलिस का डर दूर करना है तो ऐसे केस में सिर्फ रशियन ही काम आती है, मेरा मतलब है कि रशियन मसाज काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली रिपोर्ट। अब यार गदर 2 ने 500 करोड़ क्या कमा लिए, हमारे सनी देओल अपने आप को आइंस्टाइन से भी ज्यादा जीनियस मानने लगे हैं। अबे ये मैंने नहीं बोला, ये उन्होंने खुद बोला, मतलब उनके अंदर जोश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ भी अंटमंट किसी के सामने बोले जा रहे हैं। अब रिसेंटली उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आप स्कूल में कितने होशियार थे, तो सनी पाजी ने जोश में आके बोल दिया कि भैया बचपन में मैं बहुत होशियार था, मेरा IQ तो 160 से भी ज्यादा था। उस मेरा IQ बहुत हाई था, I had a very high IQ because school में उन्होंने टेस्ट किया था, my IQ was over 160 something. कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मतलब कि 160? अब 160 IQ होना मतलब कि सनी पाजी इन लोगों की कैटेगरी में आ गए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सनी पाजी अपने दिमाग की कैपेसिटी के बारे में नहीं बता रहे थे, वो अपनी दारू पीने की कैपेसिटी के बारे में शायद बता रहे थे। मतलब जैसे आम लोग नॉर्मली 30 ml का पैग बनाते हैं, सनी पाजी तो पूरी की पूरी बाल्टी में से पीते हैं भाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी जिसका IQ 160 है वो यहां से यहां कैसे पहुंच गया? पर हमने भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया और हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनके बचपन का एक वीडियो हमारे हाथ। सनी बेटा, अच्छा सनी बेटा, एक महान वैज्ञानिक का नाम तो बताओ। माइकल जैक्सन मैम। कोई बात नहीं। अच्छा सनी बेटा, मान लो कि तुम्हारे पास 3 लॉलीपॉप हैं और एक लॉलीपॉप तुमने खा ली, अब तुम्हारे पास कितनी लॉलीपॉप बचेंगी? 3। वो कैसे सनी बेटा? अरे मैम, जो लॉलीपॉप मैंने खा ली वो अभी मेरे पेट में ही तो है, मैंने पॉटी थोड़ी की है। अच्छा सनी बेटा, एक ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उड़ नहीं सकता। जो पक्षी मर जाता है मैम। मैम मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं ना। अरे डफर कहीं के, जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब क्या अपने बाप की फिल्म देखने गया था? मुझे डफर बोलेगी, अभी जाके अपने पापा को बताऊंगा मैं। मैं तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। नहीं सनी बेटा, नहीं नहीं, तुम तो आइंस्टाइन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा IQ 160 है पता है। मैं पढ़ा हो के सबको बताऊंगा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अब वही बात है ना यार, जिसके बाप को देख के गब्बर की फट गई थी, अब टीचर उसके सामने क्या चीज है। फिलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलूंगा कुछ नई मजेदार सटायर के साथ। सी यू।